नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश सनोड़ी आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल विवेक जी के मैथ्स क्लास में। दोस्तों आज की वीडियो में एक अपडेट है जो कि एक्सेलेंस स्कूल और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2024 जो हुआ है एग्ज़ाम 30 अप्रैल को, उसको लेकर के मैं एक बात करने वाला हूं दोस्तों। उस जो तीन क्वेश्चन है दोस्तों उसमें त्रुटि हुई है, मैंने जो आंसर की बनाई थी उसमें तीन क्वेश्चन में जो है त्रुटि हो गई है, भूलवश जो है तीन क्वेश्चन के जो आंसर हैं वो गलत हो गए हैं दोस्तों। तो उसका जो है मैं आज आपको इस वीडियो में उसको जो है उस त्रुटि को जो है सही करवाने वाला हूं दोस्तों, उसके सही आंसर मैं बताने वाला हूं। तो वीडियो में आप अंत तक बने रहें। साथ ही दोस्तों मैंने सॉल्व पेपर बना दिया है तो आप देख लीजिए सॉल्व पेपर, जिसने भी सॉल्व नहीं किया है पूरा पेपर तो वो देख लीजिए। साथ ही आपको कितने मार्क्स आ रहे हैं मैं अभी जो आंसर बताने वाला हूँ, इसके बाद जो आपको मार्क्स आने वाले हैं वो थोड़ा सा आप कमेंट्स करके बता दीजिए कि कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं। साथ ही दोस्तों कट ऑफ को लेकर के मैंने वीडियो बना दिया है तो कट ऑफ भी आप देख सकते हैं। पिछले साल का जो PDF है 2023 का जो रिजल्ट का जो PDF है वो भी मैंने व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दिया है तो वो भी आप देख सकते। तो यहाँ पर दोस्तों उत्कृष्ट विद्यालय और मॉडल स्कूल प्रेस परीक्षा 2024 का पेपर हम देख रहे हैं जो कि 30 अप्रैल को पेपर हुआ है। डी सेट है यहाँ पर हमारे सामने, तो सेट कोई भी हो क्वेश्चन सभी में सेम रहेंगे, बस सीरियल नंबर जो है चेंज हो जाएगा। तो दोस्तों जो राज्य ओपन स्कूल है उसकी तरफ से किसी भी प्रकार से आंसर की जारी नहीं की जाती दोस्तों। सबसे बड़ी कमी यहाँ पर है कि जैसे एग्ज़ाम होता है दो तीन दिन के अंदर क्या होना चाहिए कि जो कंडक्ट कराने वाली संस्था है राज्य ओपन स्कूल, तो उसको क्या करना चाहिए, उसको एक आंसर की जारी कर देना चाहिए। उससे हमको क्या है कि आंसर जो है क्लियर हो जाते हैं, जिससे कि पूरा क्लियर हो जाए कि कौन सा आंसर जो है सही है ना, तो पूरे सही आंसर का हम अनुमान लगा पाते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, नहीं दिया है तो कोई बात नहीं। तो यहाँ पर जो मैंने बनाया है उसमें सिर्फ तीन में जो है त्रुटि है, अभी आप मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उसमें से आप सुधार कर लीजिए। बाकी दोस्तों इसमें जो तीन त्रुटि सुधार के बाद 100% क्वेश्चन जो है वो आपके सही है दोस्तों। और जब मैं आंसर का सुधार करवाता हूँ दोस्तों तीन क्वेश्चन का, तो इसके बाद आप देख लीजिए कि आपका स्कोर कितना जा रहा है, तो कमेंट्स करके जो है आप बता दीजिए। साथ ही यदि आपके कम नंबर भी आ रहे हैं निराश होने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरिट लिस्ट आती है दोस्तों कई डिस्ट्रिक्ट में कट ऑफ काफ़ी नीचे भी जाता है, मैंने कट ऑफ का वीडियो बनाया उस पर आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों जब मेरिट लिस्ट आती है तो इसके बाद जब एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट होती है तो आप स्कूल के संपर्क में आप ज़रूर बने रहिए दोस्तों। जो भी आपने स्कूल चूज़ किया है एक्सेलेंस स्कूल मॉडल स्कूल, उसमें संपर्क बनाए रखें दोस्तों। कई बार क्या होता है कि जो मेरिट में जो बच्चों के नाम आते हैं वो एडमिशन नहीं लेते, फिर वेटिंग वालों का नाम जो है उससे लिया जाता है दोस्तों। तो इसमें निराश होने वाली बात नहीं है, उम्मीद ना छोड़ें दोस्तों, उम्मीद जो है बना करके रखें यहाँ पर। तो दोस्तों हम आगे जो है तीन क्वेश्चन देख लेते हैं जिसमें मैं त्रुटि सुधार करवाने वाला हूँ दोस्तों। ई सेट है दोस्तों, तो कोई बात नहीं, सेट से कोई वो नहीं है क्योंकि सभी पेपर जो सभी सेट में क्वेश्चन जो है समान है, बस सिक्वेंस में अंतर हो सकता है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे तीन क्वेश्चन हैं जिसमें जो है आंसर जो है सही होना है। तो सबसे पहले दोस्तों एक तो हिंदी का क्वेश्चन है, दूसरा मैं बता दूं एक इंग्लिश का क्वेश्चन, एक मैथ्स का क्वेश्चन है। बस तीन क्वेश्चन में जो है त्रुटि सुधार होना है, बाकी जो है सारे क्वेश्चन के आंसर आपके 100% सही है दोस्तों। तो चलिए यहाँ पर हम देखते हैं दोस्तों, जो इसमें क्वेश्चन नंबर जो 10 है, जो कि कौन सा क्वेश्चन है इसमें, लाल टमाटर बहुत स्वादिष्ट होते हैं में विशेष है, तो इसका जो आंसर है दोस्तों करेक्ट आंसर है वो है ए, आंसर सही है दोस्तों। इसका जो आंसर है वो सही है, टमाटर आएगा विशेष में, क्या आएगा टमाटर आएगा दोस्तों, तो यहाँ पर ए आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से एक क्वेश्चन हो गया। अब मैं दूसरा क्वेश्चन आपको बताता हूँ, गिव प्यूरल ऑफ W, तो यहाँ पर दोस्तों जो 18 का जो आंसर है तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, यहाँ पर आंसर होगा ट्यूबलेक्स, तो यहाँ पर आंसर सी होगा, ठीक है, इसको आप जो है इसमें सुधार कर लीजिए। तो यहाँ पर सी जो है करेक्ट आंसर होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, एक क्वेश्चन और है जिसमें त्रुटि हुई है, बाकी सारे क्वेश्चन जो है सही हैं, तो वो क्वेश्चन देख लेते हैं। मैथ्स का क्वेश्चन है उस पर हम चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हम यहाँ पर हम देख रहे हैं दोस्तों 86 नंबर का क्वेश्चन, यहाँ पर डायग्राम एक चित्र आपको दिया गया है और यहाँ पर जो आपको एंगल दिया गया है वो 125 अंश दिया है और यहाँ पर 125 अंश बन रहा है, यहाँ एक्स की वैल्यू हमको बताना है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं चित्र में, यहाँ पर दोस्तों यदि हम यहाँ पर की बात करें, इतना जो एंगल बनेगा पूरा एंगल यदि जो यहाँ पर देखते हैं
तो यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, हमको थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, इसमें इतना एंगल भी हमको निकालना है पहले यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, पूरा की पूरा जो है अर्धवृत्त बन रहा है यहाँ पर। तो अर्धवृत्त का जो कोण होता है, जो अर्धवृत्त होता है वो 180 अंश का होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों 180 माइनस 125 हो जाएगा इस प्रकार से, तो निकल के जाएगा 55। तो यहाँ पर जो बनने वाला कोण है वो हो जाएगा 55, यहाँ पर 55 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पर बनने वाला कोण भी 55 का हो जाएगा, ठीक है। अब 55 कितना हो गया, जो हो जाएगा 110 अंश हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर बनने वाला कोण जो है, देखिए त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने अंश का बनेगा कोण, यहाँ 55, यहाँ 55 और यहाँ पर 70 का हो जाएगा दोस्तों, 70, तीनों का टोटल 180 अंश हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पर भी हम यदि तुलना करें तो यहाँ पर भी अर्धवृत्त क्रिएट हो रहा है हमारा। तो 180 में से हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर देंगे 70, 70 जो है हम माइनस करेंगे, तो 110 अंश हमारा निकल के आ जाएगा। तो इस प्रकार से आंसर जो है वो हमारा सी वाला सही है। यहाँ पर जो आंसर इसमें सही है, तो यहाँ पर सी वाला जो आंसर है वो सही है, 110 अंश। इस प्रकार से जो है सारे तीन जो क्वेश्चन थे उसमें त्रुटि थी दोस्तों, जो कि मैंने आपको सही करवा दी। तो अब जो है आप अपना एक बार फिर से जो है टोटलिंग आप कर सकते हैं, देख सकते हैं, और अब आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं वो आप जो है कमेंट्स करके बताइए दोस्तों। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए आपके थैंक यू सो मच।